बिना किसे नहीं भाता। सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं, और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी है, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। गीता का सार। क्यों निष्फल चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। तुम भूत का शोक न करो, भविष्य का डर न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न कुछ तुम ले के आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया उस परमात्मा से लिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। तुम इसको अपना समझकर प्रसन्न होते हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसको तुम मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक मिनट में तुम करोड़ों के स्वामी होते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन सी मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह आग, मिट्टी, पानी, वायु से बनता है, इसी में लीन हो जाता है। फिर भी तुम्हारी आत्मा वैसी की वैसी स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को उसके अर्पण करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो उसके सहारे को जानता है वह शोक, भय और चिंता से सर्वदा के लिए मुक्ति पा जाता है। जो कुछ भी करो प्रभु के अर्पण कर, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा तथा शरीर त्यागते ही तत्क्षण लीन होगा। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना है ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लें।